नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर बताइए कि हमारा कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर कितना चलना चाहिए। कोई बोलता है दोस्तों कि हमारा कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर 60 चल रहा है, तो कोई बोलता है 55 चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का कमेंट पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि सक्शन प्रेशर और ऑयल प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस है। डेफिनेटली ये सभी लोगों को पता होगा, लेकिन कमेंट पढ़ने से मुझे ऐसा ही लगता है कि अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है जो इस लाइन में नए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी बात को क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सक्शन प्रेशर और ऑयल प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी चीज आपको बताता हूँ वो आपके काम का है और आपको ये पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा सेक्शन का जो प्रेशर होता है उतना ही क्रैंक केस का भी प्रेशर होता है, यानी कंप्रेसर का बॉडी का प्रेशर भी उतना ही होता है। जब कंप्रेसर बंद हो और ये सक्शन लाइन खुला हो तो सक्शन और ऑयल प्रेशर गेज में सेम प्रेशर बताता है। ठीक है दोस्तों, जब कंप्रेसर को चालू किया जाता है तो जब ये पंप चलता है तो ये ऑयल प्रेशर क्रिएट करता है, तो इसमें सक्शन का प्रेशर पहले से मौजूद है और ऊपर से ये ऑयल प्रेशर क्रिएट करता है, यानी ऑयल को पुश करता है जिसके कारण से ऑयल प्रेशर बनता है। तो ये सेक्शन के ऊपर होता है, जितना सेक्शन प्रेशर होगा उससे ऊपर ऑयल प्रेशर होगा। ठीक है, वहां से शुरू होगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि हमारा सेक्शन प्रेशर 30 है, 30 PSIG और ऑयल प्रेशर 60 है, तो इसमें 30 PSIG पहले से ही मौजूद है सेक्शन प्रेशर के रूप में। तो ऑयल प्रेशर में जो 60 दिखा रहा है उसे 60 नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें पहले से ही 30 PSIG सेक्शन प्रेशर मौजूद है। जितना ऑयल प्रेशर होगा उसमें से सेक्शन प्रेशर माइनस करके ही जितना बचेगा ऑयल प्रेशर में उसी को हम ऑयल प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 PSIG हुआ, यानी 2 kg के बराबर लगभग। तो इसे हम पूरी 60 नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई बोलता है कि मेरा 60 प्रेशर चल रहा है, कोई बोलता है कि 55 चल रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सेक्शन प्रेशर माइनस करके ही जितना ऑयल प्रेशर में बताएगा उतना ही ऑयल प्रेशर होगा। मान लीजिए कि 30 PSI आपका सेक्शन प्रेशर है और 55 PSIG आपका ऑयल प्रेशर है, तो इसमें 30 माइनस करने के बाद 25 बचा, वही आपका ऑयल प्रेशर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही डिफरेंस होता है सेक्शन प्रेशर और ऑयल प्रेशर के बीच में। पूरा नहीं बोलेंगे इसे, इसको पूरा नहीं बोल सकते। जितना सेक्शन प्रेशर माइनस करने के बाद जितना बचता है उतना ही को ऑयल प्रेशर हम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन प्रेशर और ऑयल प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ऑयल प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।